फर्स्ट में जो मेन टीम में आए होते हैं उसके ग्रेन के अंदर उसके बाद ये आएगा आपका लेमोफिलस को नुकसान नहीं करता, वैसे पाया जाता है। और ये कपरा बीटल वैसे बहुत ज्यादा है, डेडली इंसेक्ट था पहले, आज की डेट में नहीं मिल रही है, नहीं आप में किसी भी नॉर्म में आज की डेट में नहीं है। पहले जब पाया जाता था ग्रेन में कुछ भी नहीं होता, सारे ग्रेन खाली कर देता था, बिल्कुल मूवमेंट आता था। तो इसकी जो ट्रेटमेंट थी बहुत हैवी केमिकल, इसको हम लोग डालने पर फिर काम होता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। फिर जब आजकल बिल्कुल खत्म ही हो गया मेरा, उसके बाद हमारा आपको इसके बारे में कुछ आपको देखूँ, क्योंकि इसको डबल करने के लिए एक तो स्प्रे करनी पड़ती है हमें पहला दिन की, 15 दिन में एक स्प्रे होती है, उसमें सारे इंसेक्ट जो है ना कंट्रोल हो सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कंट्रोल होते तो अंदर घुस जाता है इंसेक्ट का जो है, तो उसको फ्यूमिगेट करना पड़ता है। फ्यूमिगेट करके आपको फ्यूमिगेशन हुई है हमारे साथ, वो भी करते हैं कैसे करते हैं, तो सभी कंट्रोल होते हैं। तो उसके बारे में पूछना सर, इसके लिए मैनेजमेंट क्या है सबका, अलग 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 है इनकी कंट्रोल करने की। हाँ जी सर, ऐसे इसको मेलाथियन, पहले तो मेलाथियन स्प्रे है, स्प्रे होती है उसे प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं, उसको स्प्रे होती है जो आज नंबर वैसे तो पीरियोडिकल स्प्रे होती होती है 15 दिन के बाद हमारी, ठीक है, जो नहीं मरता उसे अंदर अंदर घुस गया तो उसको फ्यूमिगेट करना ही पड़ेगा, जो अंदर बैग के अंदर चले गए ना उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, फिर तो फ्यूमिगेशन भी उसका। उसके बाद एक जब फ्यूमिगेशन करते हैं सारा अंदर वाला इंसेक्ट मर जाता है, उसके बाद हम इसको करेंगे स्प्रे करेंगे डेल्टा मशीन आता है, व्हाइट पाउडर होता है उसको, उसका घोल मिला के ना लिक्विड फॉर्म तो स्प्रे होगा उस स्टैक पे, स्टैक पे स्प्रे होगा उसके 3 महीने की डिटी, तो 3 महीने की डिटी नहीं आएंगी क्योंकि वो एक कॉन्टैक्ट पॉइजन है जो उसके साथ कीड़ा कॉन्टैक्ट करेगा उसको मर, 3 महीने बाद होता है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ये तो जब भी कीड़ा आएगा कभी 1 महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, 3 महीने बाद आ जाए, ज़्यादातर इंसेक्ट पेस्ट इन दिनों में बनते हैं क्योंकि जो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने रेनी सीजन होता है ना, इनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल जाता था ना, तो क्योंकि ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए बहुत ज़्यादा कीड़े आपके लिए होते हैं। नवंबर शुरू हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि जो मर जाते हैं उसके लिए एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जैसे मंडियाँ ग्रेन मार्केट है उसमें से परचेज करेंगे हम पैडी और वीट दोनों, क्योंकि एफ सी आजकल सिर्फ पैडी और वीट परचेज करती है और कुछ नहीं करती पंजाब में। तो जैसे राइस है, राइस बनता है पैडी पर क्योर होगी मंडी से, मंडी से प्रक्योर होकर डिपो में लगेगी जहाँ पर सीधा शैलर में जाएगी, एजेंसी वाले सीधे शैलर में भेजते हैं, एफ सी आई सिर्फ डिपो में आएगी, वो पैडी उठा के जब बिलिंग करनी होती है शैलर में जाएगी, शैलर में जाके वो हमें रिजल्टेड राइस देगा, ये राइस आ गया हमारे पास, ठीक है,
जितनी हमने पैदे दिए उतना राइस उन्होंने आके डंप धीरे धीरे करते रहे, ठीक है। ये सामने जैसे छठ के प्लेटी भरी ना, वहाँ डंप कर रहे थे यहाँ पे 580 बैग्स का एक दिन साइड में जो है 580 बैग डंप हो गए। उसके बाद हम सैंपल ले गए पर्ची से, इसको पर्ची बोलते हैं, ठीक है। ये सैंपल लेके कम से कम 1 किलो का सैंपल लेके यहाँ लेके आएंगे, यहाँ लाके क्योंकि इसको प्रॉपरली मिक्स भी करना है, क्योंकि अलग अलग बोरी से आएगा सैंपल। क्या बोलते हैं इसको, डिवाइडर बोलते हैं, डिवाइड हो गया ना। डिवाइड के बाद फिर इसका मच्छर देखेंगे, मच्छर क्या, ये मच्छर भी ट्राई, ये कप होता है, ए वॉल्यूम से इसमें 30 ग्राम पड़ेगी। इसको प्रेशर देंगे 275 का, तो अपने अभी ये डिस्प्लेट है, इसका मॉइस्चर आ जाएगा, जितना मॉइस्चर हुआ वो फिर उसके यहाँ स्लिप निकलेंगे, स्लिप निकाल के वही हम रिपोर्ट कर। जैसे राइस है, राइस का आप 15% हम परचेज करते हैं, जो प्रोक्योरमेंट होती है ना 15 की होती है, उसके ऊपर हम कर नहीं सकते। ये ऊपर जाएंगे तो उसको ज़्यादा चांसेस हो गए सेल्फस ज़्यादा कैच करेंगे। ऐसे वीट में 12% होता है, 12% से ऊपर लेंगे तो उसके इंसेक्टिसाइड जल्दी करना। हमने डिवाइड कर लिया वहाँ डिवाइडर पे, जो बड़े वाला पड़ा ना थोड़ा सा उसमें डिवाइड करके 200 ग्राम सैंपल होगा, उसमें से हमने 20 ग्राम निकालना है। मिक्सिंग जो है इम्पोर्टेंट है, कभी सर बार बार मिक्स कर लें, जब प्रॉपरली मिक्स नहीं करेंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे उसमें। इसमें से 9 स्कूप लेने हमने, 3 स्कूप इधर से आएंगे, 2 इधर से आएंगे, 5 से 4 सब इक्वली आएगा सैंपल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सभी साइड से सैंपल आ गया ना, तब ही इसके रिजल्ट ठीक आएंगे। जी हम चाहे भी एक साइड से निकालो, जब बाहर से ले लो या अंदर से ले लो, तो रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। ये 20 ग्राम हो गया ना, बोलो मेरे पास वो नहीं है, वेट नहीं है, पर ये 20 ग्राम ले लिया सैंपल हमने, उसमें से हम इसका एनालिसिस करेंगे। इसकी जो लिमिट है एक कंसाइनमेंट में राइस में 25% है, मैक्सिमम 25% तक हम लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 580 बैग्स 290 क्विंटल में आपको 25%
एक बैग का सैंपल लेने के तो महीने लग जाएंगे इसको, वो तो सेम ही होगा। नहीं उसमें नहीं होता, जब सैंपलिंग करते हैं ना बैग टू बैग, उसमें देखा जाता है पत्ती से सैंपल लेके उसमें हमारा एक्सपीरियंस जो आजकल उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, वैसे पता चलता है तो उसको लगता है उसमें ज्यादा उसी बोरी का लेके बोरी या बोरियां जितनी भी है उसका सफल लेके उस पर दूसरे भी इंजेक्ट कर। आप कहीं भी चले जाओ हमारे डिपू में आपको ब्लैक टेबल मिलेंगे। ये नहीं हम शॉप पे रखते हैं, अभी हमारा ये पर्पज जिसका है, ये भी जो ब्रोकन है ना राइस में ब्रोकन बहुत इजीली आपको दिखाई देगा, ये ब्रोकन है जिसमें थोड़ा कम दिखाई देगा प्रॉपरली पता नहीं चलेगा इसकी इसकी लेंथ पता चल जाएगी कितनी लेंथ है। देखो आप क्लियर कट देख सकते हैं ना ब्रोकन, तो डैमेज कलर इसमें नहीं दिखाई देता, ये इसीलिए वाइट प्लेट है जो डैमेज कलर दिखाई देगा। ये ब्रोकन निकाल के इसमें डालते हैं फिर देखते हैं इसमें डैमेज कितना मुश्किल। तो ये मैंने निकाल दिया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, इसको टाइम तो आधा घंटा लगता है इसका नलसू करने के लिए। इसमें डैमेज और डिस्कल दोनों ही है, जैसे ये ब्लैक हो गया ये डैमेज हो गया, ये भी डैमेज हो गया, ये पिन पॉइंट डैमेज हो गया थोड़ा है ना, देखो कितना बहुत कम है सिर्फ जस्ट लाइक पिन। सर ये तो हम बाई हैंड कर रहे हैं और क्या मेथड है सर अलग करने का? मेथड गवर्नमेंट कर रही है इसको थोड़ा ना मशीन से कई जगह लगी हुई है प्रॉपर नहीं और जल्द प्रॉपर नहीं आते, जो मैनुअली भी कर सकते हैं ना वो मशीन नहीं कर सकते। मशीन ऐप सोफिस्टिकेटेड ऐप में बनी नहीं हुई जो एक एक ग्रेन अलग अलग निकाल कर, ये हो गया डैमेज। इसकी लिमिट होती है 580 कंसाइनमेंट का सैंपल लिया जैसे 1 किलो का, तो ये 3% होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 3 से बढ़ गया तो गाड़ी इसका कंसाइनमेंट रिजेक्ट होगी। ठीक है ये डिस्कलर है, इसकी भी लिमिट 3% होगी, 3% से बढ़ जाएगा तो ये भी रिजेक्ट होगी। एक ब्रोकर हो गया, डैमेज हो गया डिस्कलर, उसके बाद आपका आएगा चौकी। चौकी तो 1% के आसपास ही आता है तकरीबन। चौकी आप जानते हैं कि चौकी कैसे बनता है? चौकी ग्रेन किसी को पता है? जैसे क्रॉप आजकल खड़ी है फील्ड में खड़ी है तो जो उसमें अगला टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इमेच्योर ग्रेन हो जाएंगे रहेंगे ना, जैसे ग्रीन रह गए, जैसे ग्रीन ग्रेन हो गए प्रॉपरली मेच्योर नहीं ना होते तो अंदर से वाइट रहेंगे वो, तो जो उसकी मिलिंग होती है तो फिर वाइट ग्रेन जो होता है उसको चौकी बोलते हैं। आपको दिखाता हूँ सर ये डिसकलर होने का रीज़न क्या है? डिसकलर वैसे फील्ड में तो डिसकलर बनता नहीं, केमिकल चेंजेस जब इसकी ना स्टोरेज होती है स्टोरेज में जैसे मच्छर ज़्यादा लग गया उसमें 17% पैदी में अलाउड है मच्छर, उससे ज़्यादा मच्छर हो गया 18-19% हो गया जो लेके उसको सुखाया नहीं प्रॉपरली तो टांकों में स्टैग में लग गए तो प्रेशर में आ गए उसका डिस्कल हो गया ब्रेकडाउन जो टूट जाता है। नहीं ये थोड़ा हार्ड हो जाता है नॉर्मल ग्रेन से चौकी हार्ड हो गई क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस आएंगे ना। कब सर ब्राउन राइस और ये पॉलिश्ड राइस में क्या डिफरेंस है? एक मिनट मैं आपको चौकी के बारे में बता दूँ। पहले इसको चौकी बोल इमेच्योर कह सकते हैं उसको, वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं होता।
बस यही क्वेश्चन होती है। इसके बाद आएगा आपका डीएस क्रेन। डीएस वाला सुना कि नहीं? नहीं सुना। ये पॉलिश क्रेन है, ये वाला जब पैटी मिलिंग के लिए शहर में जाती है ना किसी प्लांट में, तो सबसे पहले उसका ना छिलका जो हस्क होती है निकालता है, प्लांट की हस्क निकाल दिया, उसका छिलका ऊपर लग हो गया, उसके बाद वो आ गया तो वैसे ही रखेंगे तो ब्राउन राइस बन जाएगा, ठीक है, उसकी पॉलिश नहीं करेंगे। जब थोड़ी पॉलिश करेंगे उसको तो ऐसा वाइट निकलेगा राइस, इसको पॉलिश राइस बोलते हैं। दूसरा जो आपने जैसे बोला पूछा था ब्राउन राइस में, तो उसमें क्या फर्क है? जब सिर्फ उसका हस्क निकालेंगे तो जो पीछे रिजल्टेंट राइस होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राउन राइस। आप खाते हैं मार्केट में ब्राउन राइस, ठीक है, वो ब्राउन राइस वो हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें जो इसमें से ऑयल वगैरह होते हैं राइस ब्रान में, उसमें जो लेयर निकलती है उसके ऊपर से, तो उसमें ब्रान होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें म्यूटेंट वगैरह ऑयल वगैरह सब कुछ होता है। जब सारा कुछ निकल जाएगा इसमें तो प्रॉपर ऑयल वगैरह नहीं निकलेंगे, बाकी जो थोड़ा बचेगा तो ये तुम्हें कुछ नहीं रहेगा, पर वो ऑयल वगैरह नहीं रहते। इसकी पॉलिश है जो इसका भी एक तरीका है, इसकी पॉलिश एक रिफ्लेक्शन में आती है डी एस ग्रीन। मैक्सिमम हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलाउड है कि 13% हम ले सकते हैं, 13 से ऊपर नहीं जा सकते। तो उसमें हमारे पास केमिकल होता है, केमिकल में डाल के वो थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, 15-20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा, तो उसी से पता चलता है कि उसमें कितना डी एस। कौन से केमिकल होते हैं? पहले तो मेथिलीन ब्लू, उसको भी डिल्यूट किया जाता है, और मेटानल येलो, एक्सएल, तीन केमिकल होते हैं। तीनों केमिकल में अलग अलग टाइमिंग से एक एक मिनट के लिए ना उसको भिगो के उसको फिर पता चलता है। और कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं समझेगा पर आपको पता चल गया ना कि यहाँ पर ग्रेडिंग होती है राइस की, तो अब हम कहते हैं कि जैसे डिजीज हुआ या इंसेक्ट हुआ फील्ड में, तो हमें तब दिखता है बहुत कम क्वांटिटी में जो भी है वहाँ पर डिजीज कम ही दिखता है कि ये कम ही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जब यहाँ ऐसे FCI गोदाम में या कहीं पर भी ले जाना होगा तब ये ग्रेडिंग होती है, तो फार्मर को उस टाइम लॉस होता है, तो इसलिए वहाँ पर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है आपके फील्ड कंडीशन में, वेदर इट्स न्यूट्रिएंट, डिजीज, पेस्ट, तीनों चीज़ों के लिए, ठीक है। अदरवाइज ये जो है आपका यहाँ पे पास ही होगा स्टैंडर्ड में, जिस स्टैंडर्डाइज वो करनी थी इनके स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है कि कैसे एनालिसिस करना है सैंपल का, कैसे इसको फिर वो अगर फील्ड से ही अगर आप सही चाहिए सही टाइम पे हार्वेस्टिंग या देखो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो फिर वो नहीं किए प्रॉपरली स्टेक नहीं किया उसको स्टोर नहीं किया, तो यहाँ पर जाके फिर आगे स्टोरेज में तभी प्रॉब्लम आती है। मैच्योरिटी डिले हो गया, हमने डिले सोइंग करा तो फिर देखिए यहाँ पर जैसे चौकी का सर क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए एक फार्मर के लिए बेरियर बनेगा उसकी क्रॉप की सेलिंग के लिए। वो तो फील्ड में होगा ना चौकी जो है वो जब क्रॉप मच्योर होगी ना प्रॉपर तो फील्ड में आएगी, मंडी में आएगी, प्रॉपर मच्योरिटी के बाद उसकी हार्वेस्टिंग होगी तो चौकी बहुत कम आएगा, आ ही नहीं जो उसको कच्चे में कच्ची पर क्रॉप को काटेंगे तो कुछ आ ही आएगा, तो जब उसको बनाएंगे ना तो करेंगे तो चौकी का तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चल गए पानी निकल जाएगा, आप देख नहीं सकते उसको। रैंडमली हम फील्ड से पता कर सकते हैं ना कि अभी हमारा मैच्योर हो गया है कितने परसेंट चौकी है, या फिर बाद में पता चलेगा? मैच्योरिटी भी करते हैं किसी क्रॉप को अर्ली मैच्योर कर ले रहे हो आप तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो प्रॉपर पूरी जब आपके ग्रेन्स बन जा रहे हैं जब प्रॉपर टाइम होता है हार्वेस्टिंग करोगे आप तो अर्ली मैच्योरिंग होने से पहले ही आप उसको ना, एक तो जो मॉइस्चर ज्यादा होगा उसके जो इंसेक्ट्स वो भी ज्यादा लगेंगे उसको। सर ये हम रैंडमली ले रहे हैं? ये रैंडम ये आप देख सकते हैं रैंडमली इसकी कंटिंग है, तो जब स्टॉक लगता है पूरी कंसाइनमेंट 6 कंसाइनमेंट पूरी हो जाती है 3480 बैग लग जाएगी शायद में, उसके बाद
इसका सैंपल लेंगे, सैंपल लेके उसको एनालिसिस करेंगे कितने क्या ब्रोकन, कितना इसमें डैमेज, कितना डिस्कल, कितना डीएस, कितना सारा कुछ देखेंगे। जैसे एक कीड़ा आ गया इसमें, क्रस्ट आ गया ना, देखो चल रहा है अप टू टू इंसेक इन ए सैंपल अप टू हाफ के जी। तो ये रखा जाता है फ्यू कैटेगरी, इसकी क्लासिफिकेशन होगी फ्यू में, मतलब फ्यू में इन्फेस्टेड आ जाए। दो इंसेक्ट आ जाएंगे तो फ्यू में रहेगा, दो से ऊपर जाएंगे ना ये तो हैवी में इन्फेस्टेड होगा। जब हैवीली इन्फेस्टेड हो गया तो फ्यू में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। वैसे तो एक भी आ गया बीच में आ गया ना, तो फ्यूमिगेशन तो करनी पड़ेगी। में जा रही है ना सर, ये स्टोरेज रूम में एक घून लगता है ना जो अभी आया था उसमें, उसे बचाव के लिए, हाँ उसे बचाव के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? पहला फ्यूल अल्यूमिनियम सॉस्पॉइड और डेल्टा मैथिन, तीन केमिकल आते हैं जो आजकल यूज करते हैं फॉर स्टोरेज। ये जो पैक कर दिया है ना, ये पीडीएस पे इशू हो चुकी है, वहाँ यही जाए इशू हो चुकी है, जो यहाँ पे ये खाली दिख रहा है आपको से आपको बड़ा भी दिखा देते हैं उधर आ जाओ। ये टैबलेट होती है 3 ग्राम की, टैबलेट फॉर्म में आता है, उसमें से गैस निकलती है फॉस्फेट गैस। टैबलेट रखेंगे आधे घंटे में उसकी गैस रिलीज होती है, उसको कवर कर रहे, जैसे ये कवर पड़े ना, हाँ जी गोली रख के अलग अलग जैसे निशान पड़े ना, जैसे सारे सारे में हो गए कवर, अच्छी तरह कवर कर। फिर ये जो कवर किया हुआ है इसके नीचे में मिट्टी डाला गया है, इस पे मिट्टी क्यों डाला गया है? मिट्टी इसलिए गैस जो बनती है गैस ना रिलीज हो बाहर ना निकले ना, अच्छा ये तो कवर करेगा ना, उसको कवर करेगा ना, गैस अंदर ही जाने देगी। कभी भी आप फोन पे ही पूछ सकते हैं जो आपको क्लैरिटी से लगेगा किसी तरह की, ठीक है।